कसम भाई, वो कसम भाई, वो इधर आओ, इधर आओ, वो इधर काला खाएगी, उधर किधर जाता है, इधर लो खान खाना खाओ। वो खाना माना छोड़ो यार, ये बताओ किरण बेन का क्या हाल है? किरण बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुमसे बहुत नाराज। तुम इतने दिन घर जो नहीं आए उससे मिलने के लिए। वो यार दिन रात चौकीदारी का काम है, क्या करें यार खान। अब किरण के लिए जल्दी से कोई रिश्ता ढूंढना शुरू कर दो। मैं चाहता हूं उसके बीए पास करते ही उसकी शादी करा दूं। वह उसको सबक खत्म करने दो कासम भाई, उसका शादी का मामला ना ऊपर वाले के हाथ में है, और फिर किरण जैसी बहन के लिए रिश्ता का कोई कमी नहीं। ये तो ठीक है, अपनी किरण जिस घर में भी जाएगी रोशन कर देगी उस घर को। तस्वीरें लाई? हाँ तस्वीरें तो मैं ले आई। लड़कियां सब खाते पीते घरानों की हैं, लेकिन मैं अपनी फीस कम। मत तू अपनी फीस की फिक्र ना कर, लड़की एक दफा भाई को पसंद आ गई ना, तुझे मैं खुश कर दूंगी। अब तू यहाँ से जा। ठीक है बेटी। भाई आने वाला है और मैं भाई को सरप्राइज देना चाहती हूँ। अम्मा तू जाना, जाना अम्मा, मत जाओ। किरण, किरण जी। भैया आई। ये सब क्या है? ये सब मेरी भाभियां हैं। क्या? हाँ, मेरा मतलब है इनमें से एक मेरी भाभी बन सकती है, बस मेरे भैया की पसंद चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया? चल उतारे ने। मैं तुझे हजार बार कह चुका हूं कि मेरा शादी वादी का कोई इरादा नहीं है, अभी मुझे सिर्फ तुझे पढ़ाना है। वो इसलिए कि मैं खुद तो अपनी तालीम मुकम्मल कर नहीं सका। मैं तुझे वो जेवर देना चाहता हूँ जो सोने चांदी के जेवर से कहीं ज्यादा कीमती है, जो तेरी सारी जिंदगी काम आएगा। अभी सिर्फ तुझे पढ़ना है, पढ़ना, ये भाभियों के चक्कर में पढ़ना नहीं। उसके बाद पहले मैं तुझे इस घर से रुखसत करूंगा और फिर अपनी शादी के बारे में सोचूंगा, वो भी अगर मेरा दिल माना तो। मैं इस घर से रुखसत नहीं होंगी, मर जाऊंगी यहाँ मैं। क्या भक्ति है? मारो भैया मारो, मैं जब भी भाभी का जिक्र करती हूँ गुस्से में आ जाते हो। आज के बाद कभी बात नहीं करूंगी तुमसे, कभी नहीं, कभी नहीं। किधर मर गया तुम? इधर आओ ना यार। किरण, ये वक्त है आने का? सारी लड़कियां चले गई, मैं कब से खड़ी हूँ? भाई नहीं लेना है मुझे? वो पहला हमारा बात का जवाब दो तुम। सारा वक्त तो लड़ाई झगड़ा में खत्म हो गया और तुम रूठ गए उससे। तुमको मालूम आज वो ड्यूटी नहीं किया, सारा दिन गेट पर हमारे साथ बैठा रहा, रोता रहा। वो क्यों सताता है तुम उसको है? उसका ख्याल नहीं रखता वो। देखो देखो किस तरह बंदर की तरह बैठा है। आओ हम आज सारा लड़ाई झगड़ा खत्म करेगा, देखो तो सही। आओ बैठो बच्चा। इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा, इनसे बोलो लाला
इनसे सुलह तब होगी जब ये शादी करेंगे। बोलो कब शादी करेंगे तू? किससे करूं शादी? तुझसे करूं? कब करेगा शादी? ऐसे ऐसे बोलता है जैसे मेरे लिए कोई तैयार बैठी है। वो तो तैयार है, तुम तैयार नहीं है। वो मलका नहीं है, मलका वो मलका कौन है? ये मलका मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहाँ की है ये मलका? किस मुल्क की है ये मलका? वो जो मलका है ना, फकीरों का मलका है, खैरात मांगता है, भीख मांगता है। वो जो उसको खैरात नहीं देता, वो उसका पीछे ऐसा बद्दुआ करता है। कितनी दफा गया मेरे इलाके में, ना आया कर। ये मेरा इलाका है, मुझे इस इलाके में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे जानू जान का इलाका है। तेरे जानू जान की ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। अरे अगर आइंदा यहाँ आई तो एक दूंगा मैं। मुझको तड़ी लगाता है? ऐसी ऐसी बद्दुआएं दूंगी कि याद रखोगे। बद्दुआ देगी? मुझे तो किसी की दुआ नहीं लगती, तू बद्दुआ देगी। चला। अच्छा अल्लाह क्या करे? अल्लाह करे 3 करोड़ का बॉन्ड निकले और तू खुशी से मर जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे तेरी शादी रंगीला साहब के साथ हो और जब वो घूंघट उठाए तू उनके नीचे दब के मर जाए। अच्छा अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि तेरी शादी हो, तू पहली रात कमरे में जाए तो तुझको बहुत सख्त नींद आ जाए और तेरा वलीमा भी ना हो। अब बोल। अल्लाह करे, अल्लाह करे तेरी शादी कोटू के साथ हो और वो कमरे में जाए उससे दरवाजे की कुंडी भी ना लग सके। ओ तेरी खैर होवे, तू मेनू वेख के घबरा क्यों गया है? तू मेरी शादी करवा, मैं कुंडी थले लवा लांगा, आप मुझसे शादी कर लेंगी। क्या मतलब? एक टिकट में 2 मजे। वो कैसे? वो ऐसे, खामद का खामद ते पुत्र दा पुत्र। ले बई एदे तके तो मेनू एक बद्दुआ याद आई। अल्लाह करे तू पठाना दी जंज ते जावे, ओ तेनू पैसे दे ते तू ना लवे। मरे देख दी अदरक मैनू किथे ला देते ही। प्यो रहते आई ना। तू कितना अच्छा है। तू ही बड़ी अच्छी है, पर इथों ही ली ना। परे हट। ए बहु मैं 100 रुपया दे दे। अरे चल 100 रुपया दे देना बहु। अरे मैं बगैर मकसद के किसी को टका नहीं देता। ए माँ बहन समझ के दे देना। हमारे यहाँ माँ बहन मांगती ही नहीं। अल्लाह करके तेरा पाँव रेलगड्डी के लाइन में आए, ऊपर से रेलगड्डी गुजर जाए और तेरे बच्चे यतीम हो जाए, तेरी बीवी बेवा हो जाए और तुझसे कोई शादी भी न करे। अल्लाह और मैं तेरे संग शादी कर लूंगा। अल्लाह करके तू। अरे ठहर, बद्दुआ मत दे। ये ले। ये क्या है? ये रख ले, इसको तोड़वा लेना। अल्लाह करके तू मर जाए। ये ले 100 पूरा ले। मलका, ओ मलका इधर आओ। वो हमारा गला भी खराब है, खुदा ने करके इधर आओ। वो इधर आओ, आज हो। और क्या बात है चाचा खान, क्यों खप डाली है? पागल का बच्ची तुम्हारा किस्मत बनाता है, आओ हमारे साथ। मेरी किस्मत? बैठो बैठो, वो इसको खोल से देखो। ये हमारा और कसम का बहन किरण है, तुम्हारा रिश्ता का बात करने आया है। मेरा नाम मलका, तू कसम की बहन। मेरी जान, पहली बार मिली हो, क्या खाओगी क्या पियोगी? मैं अभी लेकर आती हूँ, तू जाना नहीं। हाँ तू जाना नहीं है, मैं हुने आई। कैसा है? अभी समझ में नहीं आई। शेरू मामा, शेरू मामा, क्या बात है? शेरू मामा बड़ी खुश दिखाई दे रही है, खान ने क्या कह दिया? अरे वो कह दिया जिसका मुझको इंतजार था, ला मेरा थैला। खुमानी खा। आ, 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 आलू बुखारा की भी खा। केला भी है, ये ले। और बिस्कुट, बिस्किट्स, कोका कोला ठंडी ठंडी है ले।
छोटा सा बच्चा, बिस्कुट खा। ये सब इस थैले में से निकल रहा है? अजीब है ये थैला, जादू का थैला है, जो मांगोगे वही मिलेगा। अच्छा लाला, जिंदा मुर्गी मिलेगी? आहो जी, क्यों नहीं। ये ले लाला, जिंदा मुर्गी। मुर्गी अंडे भी, अंडे अंडे ये ले लाला, अंडे। वे अंडे भी है। चूचे चूचे चूजे चूचे लाला, चूजे बहुत रंगीन वाले। जन्नत का चूजा। ए खान, इसको यहाँ कौन लाया? कौन बुलाया? हम बुलाया ना? मैंने बुलाया भैया, इसलिए तो भेजा था आपको बहाने से। ए पकड़। मुझे ये भाभी पसंद है। तुझे पसंद है? हाँ। ए कब आए तुझे मांगने? अरे मुझे मांगने की क्या जरूरत है, मैं तो खुद मांगती हूँ। जब बुलाओगी लाल चूड़ा पहन कर आ जाऊंगी। इसको कितनी जल्दी पड़ी अपनी शादी की। हे, मिल गई मुझे भाभी, मिल गई मुझे। अरे इतनी रात हो गई है, सोएगी नहीं? दो दिन बाद मेरे इम्तिहान है भैया, और मैं चाहती हूँ मेरे भाई ने शोलों के सामने खड़े होकर जिस खून पसीने की कमाई से मुझे पढ़ाया है, रिजल्ट सुनकर उसके सीने में ठंड पड़ जाए। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा, मेरा ख्वाब जरूर पूरा होगा। वो क्या समय मुबारक क्या कि मैं खान डिवीजन में पास हो गया। अच्छा आंखें बंद, आंखें बंद। मिल गया। आंखें खोलो, ये रहा तुम्हारा इनाम बीए पास करने का। क्यों पसंद नहीं आया? भैया मुझे आपसे कुछ और मांगना था। मांगो, वो भी मिल जाएगा। आप माइंड तो नहीं करेंगे? वो क्या होता है। आप नाराज तो नहीं होंगे ना? नाराज होने का हक तो सिर्फ तुम्हारा है, हम तो अपनी बहन के ताबेदार हैं। बोलो बोलो। भैया कॉलेज की सहेलियां बिछड़ने से पहले बर्फबारी देखने जा रही हैं, और आप जानते हो कि मैंने कभी नहीं देखी, मैं भी देखना चाहती हूँ। बर्फबारी? हाँ। अरे वहां तो बहुत ठंड होगी, और तुम्हारे पास कोई गर्म कपड़े तो है नहीं, बस वही दो पतले पतले से स्वेटर है तुम्हारे पास। दो ही काफी है? बिल्कुल काफी नहीं है, वहां जाओगी ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी फिर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खान को कहता हूँ, वो तुम्हारे लिए लंदन से बहुत सारे गर्म कपड़े ला देगा। है? हाँ? इसका मतलब है कि मैं जा रही हूँ, आप मान गए? मान गया मान गया मान गया। थैंक यू भैया। यार खान, अपनी किरण मरी जा रही है बर्फ गिरती देखने के लिए, लेकिन उसके पास गर्म कपड़े नहीं है यार। तुम ऐसा करो, लंदन से उसके लिए कुछ गर्म कपड़े ले आओ। ये लो पैसे। वो पैसा निकाला तो गोली मार देगा, गोली मार देगा। वो क्यों यार? वो किन अकेला, तुम्हारा बेन हमारा बेन नहीं, वो तुम्हारा कुछ का मामा बनता है। अच्छा अच्छा ओके। करण वो किधर है बचा? ये लो तुम्हारा गरम कपड़ा, अभी इधर मत खोलो, ये जादू का थैला है, इसमें ऐसा गरम कपड़ा है, ऐसा गरम कपड़ा है, इसको जाकर तुम बर्फों में फेंकेगा तुमको पसीना आएगा। हाँ। शुक्रिया। क्या बोला, क्या बोला तुम? शुक्रिया। इधर लाओ हमारा कपड़ा, हम इसको आग लगाएगा। क्या हुआ लाला? वो तुम हमेशा हमको शुक्रिया बोला, उसको बोला, वो कासम को? लाला वो, हाँ वो तुम्हारा सगा भाई है ना, तुम्हारा उसका खून का रिश्ता है ना, हमारा क्या, हम तो परदेसी इलाका घेर से आए, हम सब समझता है, सब समझता है। हम इधर चीख चीख कर रोएगा, एहतजाज करेगा, जुलूस निकालेगा। वो तो मुझे माफ कर दो लाला, प्लीज प्लीज।
किरण, हम तुमको बहुत याद करती है। तुम हमसे गैरों वाला बात करके हमारा दिल दुखाता है। ऐसा ना करो, कल तुम्हारा डोली जब उठेगा ना तो हम बखुदा कसम से ज्यादा रोएगा हमारा बच्चा। लाला, इंदा हम आपको कभी शुक्रिया नहीं बोलेंगे। ओ शेर का बच्चा, शाबाश शाबाश। बर्फी, मिस बर्फ तो नजर आ रही है मगर बहुत कम है, कहीं के पैचेस हैं। हाँ, बर्फबारी तो भी होनी है। अपने गर्म कपड़े निकाल लेना। बर्फबारी जागी है वहाँ।
चन 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 करती है धड़कन जागो कोई एक तस्वीर थोड़ी बनाई है, मैंने तो बहुत सी तस्वीरें बनाई है। हैं? बहुत सी तस्वीरें बनाई? मेरा मतलब है कि मैंने आपकी तस्वीर नहीं बनाई, मैंने तो किरण की तस्वीर बनाई। What? मेरा नाम किसने बताया आपको? Very good, very good. अच्छा हुआ कि आपने मुझे अपना नाम भी बता दिया। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, ये कैमरे की फिल्म मेरे हवाले कीजिए या मेरे सामने जाया कीजिए। अरे वाह, अरे वाह, मैंने इतनी मेहनत से तस्वीरें बनाई और आप कह रहे हैं कि आपके हवाले कर दूं। हाँ, वैसे गलती से कहीं अगर इन तस्वीरों में आपका नाक, आपका दुपट्टा, आपकी आंख, आपका कान आ गया तो वो तस्वीर मैं आपको दे दूंगा। ऐसे कहाँ ठहरी आप? ब्राइडलाइन होटल में। थैंक यू वेरी मच। वैसे ऐसे सीन है आप, बिल्कुल जंगल की किसी परी की तरह। शट अप। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सुबह सुबह किधर चली गई थी? पुलिस, मैंने होटल की खिड़की में से देखा, पहाड़ों और दरख्तों के दरमियान उड़ते हुए बादल, छूने को जी चाहा, सूरज की किरणों में गुम हो जाने को जी चाहा, और मैं बेख्तियार, सॉरी मिस। ओके ओके, तुम चेंज करो, हम सब लोग झील देखने जाएंगे। God. क्या बदतमीजी है, चुप बैठ। ए, किन ख्यालों को बुन रही हो यहाँ खड़ी? वो सामने देख रही हो? मुसलसल परेशान कर रहा है मुझे, मेरे दिल में वसवसा है, उसने छुप के तस्वीरें भी बनाई है मेरी। लगता है तुम पे आशिक हो गया है। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं, समझी? हाय। आप? तस्वीरें प्रिंट हो गई हैं, लेकिन सबकी सब किरणों की तस्वीरें हैं। यही बताने आए हैं आप? आपसे मुलाकात का कोई तो बहाना चाहिए था। मुलाकातें कब से चल रही हैं किरण? शट अप, चले जाइए यहाँ से। मेरे साथ एक कप चाय पी सकती हैं आप? आप जाते हैं कि मैं पुलिस को बुलाऊं? देखिए, मैं एक शरीफ आदमी हूँ और आपसे शराफत से बात करना चाहता हूँ। आप शराफत से सुन लीजिए प्लीज। चले जाओ। मैं तुम्हें देख लूंगी। क्या बात है मिस, क्या प्रॉब्लम है? मैनेजर साहब, आपके होटल में सिक्योरिटी बॉडी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है। अगर है तो फिर कौन है ये? कहाँ से उतरा ये? इसका इंतजाम है मेरे पास। चौकीदार, कुत्ते छोड़ दो इस पर। ये क्या कह रहे हैं आप? कुत्ते छोड़ दो इस पर। ओह नो।
एनी मोर सर्विस? मुझे ये होटल खरीदना है, इट्स माय ओन बिजनेस, मुझे कुछ नहीं सोचना समझना। आप फौरन यहां आइए और कल ही मुझे इस होटल का कब्जा चाहिए, ताकि यहां जो कुछ भी हो मेरी मर्जी से हो। मैं, आपने कभी बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुना है? कंजरी बढ़िया मेरी इज्जत न घटती, तो मैनू नच नच यार मनावन दे। मैं तो सिर्फ आपके लिए वेटर बना हूं, चाय गरम चाय पीजिए। ये तो कुछ भी नहीं, मैं तो इनके लिए इससे भी घटिया जॉब कर सकता हूं। You are welcome. मैं इसको निकलवा कर रहूंगी यहां से। देख लूंगी मैं इसे आज, मैं इसे यहां से निकलवा कर ही छोड़ूंगी। जिन्हें वेटर रखा है जी, तुम यहां भी, आप जहां जहां जाएंगी हमें वहां वहां पाएंगी। मैनेजर साहब, आपका ये होटल है या? नो, मेरी ये तस्वीरें यहां किसने लगाई है? मैंने। तुम? एक ये भी है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं हो चुका हूं। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ एक शाम मेरे नाम। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैनेजर जी, मैं इधर हूं। ये यहां क्या कर रहा है? इसकी जरूरत है उस कुर्सी पर बैठने की? सॉरी मिस साहब, मैंने कुछ नहीं कह सकता, इन्होंने ये होटल खरीद लिया। और मैनेजर साहब ये भी बताइए कि सिर्फ इनके दीदार के लिए खरीदा है। टोपी? मेरी टोपी कहाँ है? ए किरण, तुम कहाँ जा रही हो? मैं आगे घूमने जा रही हूँ, ले चलो। बाय। चले चलो ना, घोड़े को छोड़ दो। नहीं बीबी, मैं भगा लूंगी ना, मैंने कहा ना छोड़ दो। बीबी ये बहुत खतरनाक है, गिर जाएंगी आप। एक्सक्यूज मी मैडम, ये जानवर काफी खतरनाक है। मैं इससे ज्यादा खतरनाक हूँ, माइंड इट। We'll be right back.
जरूरत किस तरह हुई मुझे? अगर मैं तुम्हें अपने जिस्म की गर्मी ना देता तो शायद तुम जिंदा ना बचती। तुमने हाँ, मैंने अपने होंठों की गर्मी तुम्हारे होंठों के जरिए से। शट अप, क्यों किया ऐसा तुमने? क्यों बताए ना, तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर मेरी नीयत खराब होती तो मैं इससे आगे भी बढ़ सकता था, मगर नहीं, मैं इंसान हूं, जानवर नहीं। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, पाकीज़ा मोहब्बत। मुझे जाना है, मेरी फ्रेंड्स इंतजार कर रही होंगी। पता नहीं किरण कहां चली गई है। तुम्हें अपनी सहेली की पड़ी है? सिर्फ तुम्हारी सहेली नहीं गायब, मेरा दोस्त भी नहीं मिल रहा। कहीं उन दोनों ने कोई और प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? खैर छोड़ो, आप मेरे साथ प्रोग्राम बनाएं, इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मेरा मतलब है पूरे मनी की सैर करवाऊंगा। पकड़ लो इसको, छोड़ना नहीं। पकड़ लो, और तुम सब मेरी सिस्टर हो और तुम मेरी छोटी माँ हो। किरण आ गई और मैंने कितने कितने बर्फ पा दीजिए। मेरा दोस्त भी आ गया। कामरान, कामरान मेरे दोस्त, मुझे बचा लो। कामरान मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इन डायनों से मुझे बचा लो। हट हट पीछे। हाँ तुम ठीक तो हो किरण? हाँ ठीक हूँ। आपने बचाया? जी हाँ। अब तो इश्क हो ही हो। सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो।
जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। बिखेरो कभी दिल की धड़कन, कभी तार छेड़ो, कभी पास बैठो नजर से कलाम करो, पास बैठो नजर से कलाम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। मुझे यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन मैं एक शरीफ भाई की बहन हूँ, उसकी इज्जत का बोझ मेरे कंधों पर है, मेरा कोई भी गलत कदम उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल सकता है। लिहाजा जो कुछ हुआ उसे याद रखो, मैं भी याद रखूंगी, दो अच्छे इंसानों की अच्छी यादों की तरह। इससे आगे ना मैं बढ़ सकती हूँ और ना आप बढ़ने की कोशिश करना। लेकिन खुदा हाफिज़।
या सोफी, कहीं से अपने का बंदोबस्त करो, मेरी रात अच्छी गुजर जाएगी। बको नहीं, पढ़ने दो। हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। मैंने कहा ना मैं पहुंच जाऊंगी। यस नो प्रॉब्लम। कमी भैया आ गए। अरे जानमास कहाँ है? यही पड़ा हुआ, यही पड़ा हुआ। इसका जाली अक्स देखें, फौरन पाजी से हाजी बन जाता है। इसे छोड़, उसे पकड़, वो आ गया है। कौन आ गया मम्मा? कामरान आ गया है। आओ। हाय मेरा बच्चा। वो गाड़ी से सामान निकलवाओ और रमजान से कहो के खाना लगवाए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाय, हाउ आर यू? हाँ ताऊ साहब, सब ठीक चल रहा है? हाय सुहेल। शुक्रिया। कैसे हो चांची? मैं बिल्कुल ठीक। चल आप। कैसे हो चांची? आपने मुझे आउटडोर में याद किया था, वहां तो बड़ी बर्फ होगी, बड़ी ठंड होगी। हम अपना हीटर यही भूल गए थे। चल आप। यहाँ तो बहुत गर्मी है, और इतनी गर्मी में आपकी प्यारी सूरत मुझे बहुत याद आई। या अल्लाह मेरे यतीम बच्चे को बचा के रखना, या अल्लाह उसकी हर कदम पर हिफाजत करना, या अल्लाह एक फूल जैसे मासूम बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना, या अल्लाह हमें 100-100 साल की जिंदगी और देना ताकि हम जी भर के उससे प्यार कर सके, या अल्लाह उसको बचा के रखना, या अल्लाह उसकी माल और दौलत की हिफाजत करना। आमीन। और सुनो सुहेल, कैसे हो? नाराज हूँ तुमसे। क्यों? अच्छे भाई हो, हमें बुलाया ही नहीं। बस यार वहां कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो गई कि हमें तो अपना भी होश नहीं रहा। ऐसे कौन लोग थे बेटा? अनकरीब उससे मिलेंगे आप सब लोग। फिलहाल तो आप सबके लिए एक खुशखबरी है। क्या? क्या 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 चांची? क्या बेटा? मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। सच? वाओ। हाय मामा, मुझे तो शर्म आ रही। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? पूछो तो सही, किससे शादी कर रहा है? चांची, इन्हें बताओ ना, तुम शादी किससे कर रहे हो? उससे जिसे देखा, जिसे चाहा और जिसके पास दिल हार गए। वो एक गरीब लड़की है, उसका नाम है किरण। किरण? 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 हाँ किरण, वो किरण जो मेरी जिंदगी में रोशनियां लेकर आई। शादी की तैयारियां कीजिए, रिश्ता आप लोगों को ही तय करना है, आखिर आप सब ही मेरे बड़े और बहन भाई हैं। बैठी है जैसे सबकी हवा निकल गई हो, सर के सुहा हो गए सारे। मेरी बात सुनो, किरण तुम्हारी बहन है, तुम कमी भाई के साले हो। अच्छा, ये कमी भाई का साला है। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे सजना तेरे। दिल कमला डूब डूब जाए, दिल कमला डूब डूब जाए, सजना तेरे सजना तेरे।
अल्लाह के पता नहीं सुबह सुबह किधर चली गई है, इधर उधर फाड़ के फेंकती रहती है, फिर बाद में ढूंढती रहेगी। कामरान तुम जीत गए, मैं हार गई, लेकिन इस जीत का मतलब ये नहीं। भैया कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? वो अपनी एक सहेली को खत पोस्ट करने। साहब जी क्या हुआ? आपकी डाक आई है। ठीक है, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। फ्रॉम किरण। कामरान तुम जीत गए, मैं हार गई, लेकिन इस जीत का मतलब ये नहीं कि हम अपने बड़ों को शामिल ना करें। तुम्हें फौरन मेरे भाई से मिलना है और उनसे मुझे मांगना है। उनका नाम कासिम अली है और वो जमाल स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं। ये वही किरण है जो हमारी जिंदगियों में अंधेरा करना चाहती है। मैं आप ही का वेट कर रहा था कि अचानक बारिश आ गई, छतरी तो मेरे पास थी नहीं, इत्तेफाक से गाड़ी में ये गार्डन का छाता पड़ा हुआ था तो मैंने खोल लिया। बाय द वे आपने माइंड तो नहीं किया ना, मेरा ख्याल है कि बारिश बंद हो गई है, तो फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? कहीं बैठ के बात करते हैं, आओ चलिए। मैं अपने खत के जवाब के इंतजार में हूँ। मैं तो तुम्हारे बोलने के इंतजार में बैठा हूँ। खत का जवाब क्या है? शादी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ।
भाई से कब बात करोगे? आज अभी इसी वक्त तुम्हारे साथ जाऊंगा तुम्हारे घर। नहीं, मेरे साथ नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। फिर अकेले मिलो, खुद बात करो। I love you. ऐसी बातें शादी के बाद। चलती हूँ। मैं छोड़ दूँ? नहीं, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम मुझे छोड़ो, किसी छोटे सफर में या जिंदगी के किसी बड़े सफर में। ओए, हमारा नकल उतारता है। भाई किधर है? वो बार होटल में बैठती है, चाय पीती है। चाय पीती नहीं, चाय पीता। वो पीती है, पीता है, एक बात है। वो हम जाएंगे, तू आएंगे ना, उसने तुम्हारे साथ हमको एक जरूरी बात करने को भेजा। बैठो बैठो। क्या बात है? ओए, तुम किसी को पसंद करते? बहन हो या बेटी, वो एक ने एक दिन तो उसने अपने घर जाना है ना। सुनो बच्चा, तुम्हारा खुशी हम दोनों का खुशी है। किसको पसंद करता है बोलो, बोलो बच्चा, वो बोलो। लाला वो मरी में मिला था। नाम क्या उसका? कामरान। कामरान खान। बहुत अच्छा नाम है। हाँ, ठीक 5 बजे गाड़ी लेके आप जमाल फर्नेस पहुंच जाइएगा। वहां कासिम साहब होंगे, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उन्हें घर छोड़ देना। हाँ हाँ, मैं भी मीटिंग से फारे होकर वहीं पहुंचता हूँ। हाँ हाँ, मैं मिल चुका हूँ कासिम साहब से, उन्होंने मुझे 5 बजे का टाइम दिया था। ओके। आपका अपना ही घर है, बिना तकलीफ आइए, खाइए, पिए। और चाचू, अबू जी, चाचू, अबू, अबू, अबू। सुतेले अबू, ये किसी बर्फानी इलाके से आए और कहते हैं कामी भाई से मिलना है। कामी भाई से मैंने भी मिलना है। बाहर दफा हो जाओ। बाहर जाता हूँ तो मुझे कहते हैं अंदर दफा हो जाओ, अंदर आता हूँ कहते हैं बाहर दफा हो जाओ। मुझ पर कितनी दफा दफा लगानी है। ये जो शख्स मुझे जाने डाल रहा है, जब मेरे असली अबू का इंतकाल हुआ था ना, तो इसने कुलू वाले दिन से हमारे घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। मैंने एक दिन गली में रोक कर पूछा, मामू जी आप क्यों आते हो? तो मेरी अम्मी ने मुझे बड़ा मारा। मुझे कहने लगी, इनको मामू नहीं कहना, इनको सूफी साहब कहना है। मैं बात तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सलाम अलैकुम। मुझे कामरान ने बुलाया। वो घर में किसी की मदद नहीं करता, ऑफिस मिलना उसको। मैं किसी की मदद लेने नहीं आया। मेरा नाम कासिम है और मैं किरण का भाई हूं। अच्छा अच्छा, तो वो तुम हो जो अपनी गुर्बत के अंधेरों से अपनी बहन को सीढ़ी बनाकर इस घर की रोशनियों को समेटना चाहते हो? सीधी तरह क्यों नहीं कहते, अपनी बहन को जाल बनाकर हमारे मासूम बेटे को फांसना चाहते हो? आजकल इज्जतों का कारोबार ऐसे हो रहा है, एक ही ग्राहक ढूंढा जाता है और फिर लूटा जाता है। बस बस, तब आप लोग एक लफ्ज आगे ना बोले। आप लोग जो भी हैं,
और आप लोगों का इस घर से जो भी रिश्ता नाता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों की सोच और जबान बहुत ही घटिया है। अमीर होने का ये मतलब नहीं कि आप लोग किसी गरीब की इज्जत किस तरह धज्जियां उड़ाएं। गरीब की इज्जत होती ही कब है कि उसकी धज्जियां उड़ाई जाए? मेरी इज्जत है, मुझे फख्र है अपने गरीब होने पर, मुझे फख्र है अपने मजदूर होने पर और अपने बहन के शरीफ होने पर। ये तो अच्छा हुआ कि इस घर में आने और आप लोगों से मिलने के बाद मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मेरी बहन इस घर में दुल्हन बनकर आए। मैं लानत भेजता हूं इस घर पर और आपकी दौलत पर। कासिम भाई आप? हाँ जा रहा हूं मैं, और आइंदा तुम कभी मेरी बहन से मिलने की कोशिश मत करना। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेगैरत नहीं हूं। अगर तुमने आइंदा कभी मेरी बहन से मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी आंखें खींच लूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मुझसे नहीं, अपने इन रिश्तेदारों से पूछो जो मुझे एक मासूम बहन का भाई नहीं उसका दलाल समझ रहे हैं, अपनी ही बहन का दलाल। इन लोगों ने मेरी शराफत पर जो कीचड़ उछाला है उसमें मुझे तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की सूरत बहुत अच्छी तरह नजर आ गई है कामरान। शायद मैंने कोई नेकी की थी जिसका सिला खुदा ने मुझे ये सब कुछ वक्त से पहले दिखा कर दिया है। रुक जाइए कासिम भाई, छोड़ दो मुझे, रुक जाइए, छोड़ दो मुझे, आपको किरण की कसम। ये लोग मेरे रिश्तेदार जरूर हैं मगर मैंने इन पर तरस खाकर इन्हें इस घर में रखा हुआ है। मैं एक यतीम हूं, अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो आपसे कभी ऐसी बात ना करते। और इन लोगों ने आपसे जो कुछ भी कहा है इनकी सजा यही है कि अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगे। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। कामरान, अरे कामरान क्या कर रहे हो बेटा, हमने कोई ऐसी बात नहीं की। निकल जाओ, निकल जाओ, ये ब्लडी फैक्सी, निकलो निकल जाओ। देखो मेरी बात, अरे आपने शरीफ दादा को धक्के मार, निकल जाओ। कासिम भाई मुझे माफ कर दे, कासिम भाई मुझे माफ कर दे, मैं एक यतीम हूं कासिम भाई, किरण मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, मुझे उससे दूर मत कीजिए। अगर किरण की खुशियों की कीमत मेरी जिंदगी भी होती तो मैं अपनी जिंदगी देकर भी उसे ये खुशियां दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। मगर खुदारा मुझे उससे दूर मत कीजिए, मत कीजिए। कासिम भाई, हार्ट का डिजाइन तो हो गया, मेन्यू भी ठीक है, बाजार तो कोई कमी नजर नहीं आती। एक कमी है, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। उनका नाम ना लो, वो रिश्तेदार नहीं किद हैं। कुछ भी है, इस खुशी के मौके पर उन्होंने माफी मांगी है, मुझे वकील बनाकर भेजा है। नोमी तुम नहीं समझते, मैंने उन्हें जिंदगी की हर आसाइश दी मगर बदले में उन्होंने मेरी ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को मुझसे दूर करने की कोशिश की। गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, माफ कर दो। उधर देखो सबसे पहले माफी मांगने कौन आया है। अम्मी भाई, अस्सलाम वालेकुम। गोगी कमी भाई, मैंने दो दिन से कुछ नहीं खाया, हम तब ने किसी ने भी कुछ नहीं खाया, अम्मी भी बाजी भी सोती रहती है, आप हमें माफ कर दे, नहीं तो हम सब खुदकुशी कर लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे। तुम क्यों चले गए? तुम्हें तो मैंने निकाला था। कमी भाई,
की वासी हमें माफ कर दे, मैं आपके हाथ छोड़ दू, मैं आपके पैरों को हाथ लग दू। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी खातिर सबको माफ किया, जाओ सबको बुला लो, जाओ सबको। हाँ बुला लू, बुला लाओ, अपनी अम्मी को भी बुला लू मैं, जाओ अम्मी को भी मजा आएगा। आ जाओ आए नीलो, आ जाओ आ जाओ, माफी हो गई, माफी हो गई, खुले आओ, माफी हो गई, सबका एहतसाब हो गया, कभी भाई बड़ा अच्छा है, आगे हमें माफ कर दो कामरान। चांची अब नहीं, नहीं। हाँ माफ किया लेकिन एक शर्त पर, कि जो मेरी बीवी बनकर इस घर में आ रही है वो मेरा प्यार और मेरी इज्जत है, उसे इस घर में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? तुम सबने कान खोल कर सुन लिया? दे देना एक 10 रुपए का नोट खान लाला। नहीं देता, जाओ जाओ। चल 10 रुपए नहीं देता तो मुझको स्टूडियो के अंदर तो जाने देना। तुम अंदर जाकर क्या करेगी? हम अंदर एक्टर और एक्ट्रेस की शूटिंग देखेंगे और उनसे भीख मांगेंगे और तुमको भी देंगे। तुम हमको रिश्वत देता है? अंदर नहीं जा सकती, अंदर जाने का इजाजत नहीं है, बस। नहीं जाने देगा? नहीं जा सकती। नहीं जाने देगा? नहीं जा सकती। नहीं जाने देगा? नहीं जा सकती। अल्लाह करके तुमको तब दिख लग जाए, तुमको टीवी हो जाए और तुम्हारा नस्वार चोरी हो जाए, तुम नस्वार ढूंढो तुमको नस्वार न मिले, तुम तड़पोगे नस्वार के लिए। हाँ और ये जो तुम्हारी ये जो मुछे है ना, इसमें बड़ी बड़ी सी जुए पड़ जाए। तुम हमको बद्दुआ देते हैं, तुम अंदर नहीं जाएगी, बस। वो भी आ गया, चलो चलो। हाय सायमा। ए ए तो सायमा है ना, तू सायमा है ना, कितनी सोनी है। हाँ क्या है? तोबा कर तोबा कर तोबा कर, ये तोबा कर, गुरूर नहीं हो करता, रूज सदा नहीं हो रहता। हाँ देख मेरी तरफ देख और अपनी तरफ देख, देखना है ना एक जैसी शक्लें, पर नसीबों की बात है, तू गाड़ियों वाली महलों वाली और मैं फकीरी मांगने वाली। चल चुप करके 1000 का नोट देते। हाँ 1000 नहीं दोगी तो ना ये गाड़ी रहेगी ना रूच रहेगा, हाँ, और ना तुझको फिल्म में कोई चमची का पार्ट देगा, हाँ, और तुम सड़कों में मेरी तरह भीख मांगती फिरोगी। अच्छा अच्छा खुश रहो, तेरी सारी फिल्में पास हो, अल्लाह तुझे सदा रूच दे। चोरी करता है, आज मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगी। ओ छोरी मलका, कहाँ फिरी रही है? तेरे में कसम आया था तुझे ढूंढने। कसम आया था? हाय मैं मर गई, मैं कहाँ थी, क्या कह रहा था? तेरे लिए खुशी की खबर है। मेरे लिए खुशी की खबर? क्या? कसम ने अपनी बहन की शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी? शादी तय कर दी? हाय अल्लाह, और मेरी बारी आएगी। और उसने कहा था मेरे घर में औरत तो है नहीं, उसकी बहन को तुमने ही टोरना है। हाँ हाँ मैं ही तो टोरूंगी, उसकी होने वाली भाभी जो।
बुदन दुलन आई, हट के दुलन बुदन आई, हट के बुदन दुलन आई। हट जा, हटो, हट जा, हट, हट, कभी दुलन नहीं देखी, हट। मैं क्यों हटूं? तुम कौन हो फकीरनी? फकीरनी? फकीरनी होगी तुम, तुम्हारी नानी, तुम्हारी लकर नानी, तुम्हारा सारा खानदान। मैं तो तुम्हें खरीद लूं। बता तेरी कीमत क्या है, बता। अरे बता, अरे मत मार, बोल कितने पैसे। मत मार रहे थे, अरे मत मार रहे थे, माफ कर दो बेटा। मुझे बोलती है बता, मत मार, कितने पैसे तेरे, बता। माफ कर दो। क्यों माफ करूं? मैंने रुपया मांगा है, माफ कर दो। क्या तुम यहाँ लड़ने आई हो? हाँ हाँ लड़ने आई हूँ, बेटा इंसाफ है। किस किसने लड़ना मेरे साथ? तू लड़ेगी? बात सुनो मेरी, शादी वाले दिन बदशगुनी मत करो। और कौन सी बदशगुनी? पहले कौन से शगन पूरे हो रहे हैं? हमारी दुल्हन घर आई है, ना दहलीज पे तेल डाला है, ना फूल की पत्तियां फेंकी है, ना सर पे कुरान का साया रखा है, और ना कोई सदका उतारा। हमारी बच्ची को लवारस तो नहीं? असी आप दमांगे सदका। किधर है वो जिसको मैंने मारा था? किधर छुपी है? किधर है? निकलो। ले इसकी मरम पट्टी कर लेना, चल फट। सब लोग और से सुन लो, गरीबों की बच्ची है लेकिन गरीबों के दिल बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। चल किरण, बिस्मिल्लाह पढ़, कदम आगे बढ़ाओ। पीछे हटो, पर हट दे, चीर के रख दूंगी। हाँ ये तुला कहाँ है? अरे तू इधर खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? क्या सुहाग रात मैंने मनानी है? चल अरे कहाँ जा रही है? कमरा इधर नहीं ऊपर है। लेके जा रहा है? आजो आजो आजो, दुल्हन की सहेली आजो। मैं अब अपने तमाम घर वालों से तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये मेरी अम्मी है, बड़ी प्यारी प्यारी अम्मी है ये मेरी। और ये मेरे दूसरे अबू है, मेरे पहले वाले अबू अल्लाह को प्यारे हो गए तो अम्मी ने ये वाले ले लिए, पता नहीं सस्ते मिल गए थे। यह मेरी बाजी है, बड़ी प्यारी बाजी है मेरी। इस बाजी की पहले शादी जो है ना वो कामी भाई से होनी थी, तो कामी भाई ने वो उस कजन से शादी कर ली, अब यह फारिग हो गई है। अल्लाह माफी, ये मेरे चाचू हैं, शराबी कबाबी हैं ये। वहां सीढ़ियों पर प्लास्टिक का जग रख के, ग्लास रख के तो ड्रिंकिंग करते हैं, तो मैं कहता हूँ मुझको भी दो, तो कहते हैं कुत्ते के बच्चे तुम हवा खाओ। ये मुझे कुत्ते का बच्चा कहते हैं। मेरे अबू जी मर गए, भला कोई भाई अपने भाई को कुत्ता कहते हैं? ये खुद कुत्ते हैं, कुत्ते हैं ये। तू शराब पीने? बकवास करता है ये। छी 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 छी, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, आओ इधर बैठो। वो जो है ना, वो जो अपने मुंह पे मेकअप कर रही है, ये हमारी बड़ी दूर की रिश्तेदार है। ये जनाब बेवा है, अपना खाउन खा गई है। या अल्लाह मुझको इससे बचाना। तो सारा गन इस घर में इकट्ठा कर रखा है कामी भाई ने। तुमने ठीक कहा है दुल्हन की सहेली, मैंने इस घर का सारा ये गन साफ करने की कोशिश की है, लेकिन ए, इसे समझाओ। गोगे, हर वक्त बकवास मत किया करो, जाओ अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू बिल्कुल न जा, हम दोनों इधर बैठकर ढोलकी बजाएंगे और गाने भी गाएंगे। उई,
तुम्हें गाना आता है? मुझको बहुत सारे गाने आते हैं। मैं अभी ढोलकी लेकर आता हूँ, फिर गाने गाएंगे। इधर तो ढोल है, ढोलकी उधर है। हो जाओ। अल्लाह मियां, किसी का बाप भी दो नंबर ना हो। मैं अभी ढोलकी लेकर आता हूँ, फिर गाने गाएंगे, मजे आएंगे। लगता है सबको सांप सूंघ गया, कोई भी खुश नहीं है इस शादी पर। तुम अपने काम से मतलब रखो। अजी काम तो यही है जो मैं कर रही हूँ। इस घर के एक एक बंदे को चेक करना है मुझको कि हमारी बच्ची को कौन सुख दे सकता है और कौन दुख। किरण, हम सबको हरा कर इस घर की दुल्हन तो बन गई, मगर ये बेचारी भूल गई कि जिस ससुराल में हम जैसे ससुराली हो, वहां जबरदस्ती बनी हुई दुल्हन का दुपट्टा चंद ही दिनों के बाद चूल्हे की आग में जल जाया करता है। हाँ, यू मीन चूल्हा फटेगा और वो जल जाएगी? चूल्हा फटे या चूल्हे की आग उसके दुपट्टे को लगे, मरेगी तो वो चल के ही। भैया, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो कामरान? जी ठीक हूँ। अरे किरण, तू कितनी प्यारी लग रही है ना? भैया कैसे हो? भैया मेरी चिड़िया कैसी है? उनको गाना डाला था ना, और बहुत अजीब लग रहा होगा मुझे ना पाकर, है ना भैया? हाँ, तेरी चिड़ियों को दाना भी डाला और कुछ अजीब सा भी लगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि तू अपने घर की हो गई है। तू मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है, क्या हुआ? भैया वो शर्म आ रही है ना। अरे कोई अपने भाई से भी शर्म करता है पागल? कासू, तू 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 तो एक तो बोंगा है कासू, शर्माएगी नहीं तो और क्या करेगी। चल अब हम चलते हैं, ये लोग भी जा रहे हैं पहाड़ पर। वो शादी के बाद क्या होता है? हाँ, हनीमून पर। असी भी चलिए। तेरा दिमाग खराब हो गया। याद है तुम्हें, शादी से पहले यही जगह थी, यही मौसम था, लेकिन हम इतने करीब नहीं थे। आज जबकि तुम मेरी मिल्कियत हो, तो मेरा जो जी चाहे मैं कर सकता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मेरा जी चाहे तो मैं तुम्हें काटी कर सकता हूँ। अच्छा? हाँ, करके दिखाओ। करूँ? ए यू रुको, देखो 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 किरण, ए देखो ये चुड़ैल, ओके, ए ए बस हो गया फैसला, कामरान किरण को लेकर आए, तुम दोनों को जला दिया जाए। दोनों को नहीं, सिर्फ लड़की को। कामरान के मरने का मतलब ये है कि ये सारी जायदाद हमारे हाथ से गई। कामरान के बाप की वसीयत है कि कामरान के बाद ये सारी जायदाद उसकी औलाद को मिलेगी, कोई और इसका वारिस नहीं हो सकता। तो यूं कहिए, कामरान के मरने के बाद ये सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और हम सब लोग खसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचते रह जाएंगे। बहरहाल हमें जो कदम भी उठाना है, बड़ा सोच समझ कर उठाना है, और किरण को जलाने से पहले कामरान के अंजाम को भी सोचना है। लाला, वो बीबी आया, वो कासम बीबी आया, वो किधर हो? हाय किरण, वो बच्चा पकड़, जोर तकड़ा खुशहाल, वो कैसे कामरान बच्चा? अरे किरण किरण, कैसी है तुम? हाँ भैया, आपसे मिलने को दिल चाह रहा है। आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कामरान, कैसे हो? अच्छे हो? हैं, ये रोटी? भैया मेरी शादी तो हो गई। हाँ, अब तो कर लो तुम अपनी शादी, कम से कम रोटी पकाने वाली तो हो। क्या क्या कर रही है तू?
अरे किरण तू कहाँ जा रही, तू पागल हो गई? रोटी बनाऊंगी आपके लिए। देख देख तेरे इतने अच्छे कपड़े खराब हो जाएंगे, ला मैं बना। हो जाने दे मेरे कपड़े खराब, मुझे कोई परवाह नहीं, आप बैठो वहां, मैंने कहा ना बैठो। पर मेरी बात तो सुन, सुन तू अपने घर में खुश तो है ना? मैं अपने घर खुश हूँ, मगर आपको अकेला देखकर दुखी हो जाती हूँ। फिक्र ना कर, तू बहुत जल्द इस घर में अपनी भाभी को देखेगी। भैया सच है? भैया बैठो, मैं आपके लिए रोटी बनाकर लाई। बैठो कामरान, बच्चा कड़ा क्यों है? वो बैठो 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 बैठो। ओ किरण बच्चा, बहुत दिनों के बाद खाने का मजा आएगा। कसम पकड़े तुम्हारे जाने के बाद, कसम भाई है ना, कच्ची कच्ची रोटी खिलाकर पेड़ में मरोड़ पैदा किया। फिर भी आठ आठ रोटियां खा जाता है ये। मेरे खुदाया, फोन बजता जा रहा है बजता जा रहा है, और जनाब है कि हेलो जी, मीटिंग है, कितने बजे? हाँ साहब आ जाएंगे, कह दिया ना साहब आ जाएंगे, बाय। मलका, वो मलका क्या कर रही है? वही कर रही हूँ जो रोज करती हूँ। क्या? तुम्हें याद कर रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात। क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। वो अपनी किरण है ना, वो आज आई थी, कह रही थी मुझे एक भाभी चाहिए। मैंने सोचा क्यों ना तुझे उसकी भाभी बना दूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो तुम सुन रही हो। तुम सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? अरे हाँ सच कह रहा हूँ। मिला हाथ। सच्ची सच्ची बोलो, तुम सच कह रहे हो ना? अरे हाँ सच कह रहा हूँ। याहू, किरण जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। जी जी जान जी बोलिए, मैं बोल रही हूँ आपकी जान जी। कमबख्त, मेरी जगह लेकर मेरे लफ्जों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट्स आ गई? जी आ गई। इज इट यस? नो। बहुत शौक है बाप बनने का। अभी आपकी उम्र ही क्या है जान जी? मैं अपने बाप के बुढ़ापे की औलाद हूँ, यही वजह है कि आज यतीम हूँ। बहुत छोटी उम्र में छोड़कर चले गए थे मुझे वो। चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने जवान हों, वो पढ़ें लिखें, उनकी शादियां करवाऊं। और ऐसा ही होगा, क्योंकि रिपोर्ट्स नो नहीं यस है, आप बाप बनने वाले हैं। जी मैं आपके लिए सूप बना रही हूँ। देखो तुम कोई काम नहीं करोगी ओके? आज के बाद नहीं करूंगी, लेकिन आज आपकी पसंद का सूप अपने हाथों से बनाकर अपने प्यारे प्यारे मजाजी खुदा को पेश करूंगी। मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ओके बच्चा कहीं का। आंची जी मैं अपने जान जी के लिए सूप बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? आप लोग, आप जान जी। सुनो करीब आओ।
इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। वो किचन में है। कामरान जानता है ये उसके लिए सूप बना रही है। बस दुपट्टे को आग लगाने की देर है। क्या बोलते हो? माँ ठीक बोलती है। तुम नौकरों को रवाना कर दो। ठीक है। गुलजार। जी बीबी जी। वो दूसरा कहाँ है? आए बीबी जी। तुम दोनों मार्केट जाओ और कुछ सब्जी और कुछ फल लेकर आओ। और फल अच्छे होने चाहिए, चाहे देर हो जाए। अच्छा, आप फिक्र ही ना करें। ये लो और जाओ। चलो, मैंने दोनों को भेज दिया, दोनों चले गए। हाँ, माचिस। बहुत खुश हो? जी, आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ। इस घर में नए मेहमान के आने की इत्तला जो आई है। हमें भी एक इत्तला आई है। कैसी इत्तला? हमारे घर में तुम्हारी मौत आ रही। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? तुम जाओ, पेट्रोल लेकर आओ। पेट्रोल किस लिए? तुम्हें जलाने के लिए। सिर्फ तुम्हारे दुपट्टे को आग लगाएंगे, बाकी काम पेट्रोल करेगा। एक लफ्ज मुंह से निकाला, मैं तेरी छुट्टी कर दूंगा, समझा? तू कामरान की बीवी बनकर इस घर में आई और तूने मेरी जगह ली है। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। आने मेरी जान का क्या कसूर है? खुदा के लिए तो क्या मारने मशहूर होगा? खामंद के लिए सूप बनाते हुए एक बावफा बीवी का दुपट्टा चला और उसकी लपेट में चलकर वो खुद भी मर गई। कमबख्तों, बातें ही बनाते रहोगे क्या? ऐसे कहां मर गया? अभी तक पेट्रोल लेकर नहीं आया। Oh!
लड़की की जुबान जल चुकी है, मगर घर के लोगों का यही बयान है कि चूल्हे से दुबट्टे ने आग पकड़ ली। सबके बयान लिख लो। कैसे हुआ इस? प्लीज मरीज के पास ज्यादा शोर मत कीजिएगा। भाई को बता दो, हमारे पहुंचने से पहले आग ने तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया था। तुम यहां मौजूद रहो, कहीं कुछ बोल ही ना दे। चमड़ी के साथ जबान भी चल चुकी है। बस घड़ी दो घड़ी के मेहमान है। इलाज करेंगे इसके पागलपन का, और तुम इलाज करोगे इसको पागल बनाने का। और फिर इसी पागलखाने में खुदकशी, जिसकी कीमत 5,00,000 रुपए, ये उसकी पहली किस्त है। ओके, कासिम भाई। कोका, तुम
आप तो किरण बाजी को छोड़कर चले गए थे, मैं नहीं गया, मैं नहीं जाना भी नहीं, मैं भी इधर ही रहूंगा, इधर ही रहूंगा मैं, मुझे अब भी इस कब्र में से किरण बाजी की चीखों की आवाज सुनाई देती है, किरण बाजी को, उनके दुपट्टे को, चूल्हे से आग तो नहीं लगी, सबने पेट्रोल फेंक फेंक के सबने जलाया, सबने जलाया, सबने जलाया। वो देखें जी, बात ये है कि कोशिश तो हम सब ने बड़ी की थी, पर भाई आपका जो भी बयान है रिपोर्ट में लिख लिया है, और क्या चाहते हैं आप? जी जी जी, आजकल चूल्हे भी बहुत कमजोर आ रहे हैं, और फिर आप जैसी सास ने तो चूल्हे के करीब जाना ही नहीं होता, तो बहुओं के तो पट्टे ही तो जले। सब लोगों ने मिलकर मारा है मेरी बहन को, उसका दुपट्टा जला नहीं जलाया गया है, तुम सब कातिल हो मेरी बहन के, इन लोगों ने कत्ल किया है मेरी बहन को इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब, बहन की मौत की वजह से शायद ये बेचारा अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, उसी तरह जिस तरह हमारा बेटा कामरान रोते रोते पागल हो गया। झूठ बोलते हो तुम सब लोग, मक्कार हो तुम लोग, गोगा ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मेरी बहन को तुमने किस तरह जलाकर मारा है। तूने गोगा की बातों पे इंतबार करी है, वो तो पागल है, पागल। उसे तो झूठी कहानी गढ़ने की आदत है, झूठ बोले उसने। झूठ बोल रही, झूठ तुम बोल रहे हो, मैं तुम्हें सीधा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो मुझे, नहीं छोड़ूंगा, मैंने छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। शराब, तुम कानून के घर में खड़े होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हो, तुम होश में तो हो? होश में हूँ मैं जनाब, होश में हूँ मैं, कोई चूल्हा नहीं फटा यकीन कीजिए मेरा, इन लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर मेरी बहन को जलाया है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। इन सब ने अपनी रिपोर्ट में हकीकत बयान कर दी है, सुना तुमने, और ये सब गवाह है उस चाय हादसा के, तुम्हारे पास कोई गवाह है तो लाओ उसे, कार्रवाई गवाही पर होगी। गोगा इन्हीं का बेटा, वो ज़हनी मरीज है, उसकी गवाही कानून तस्लीम नहीं करेगा और न ही पर्चा कटेगा। तो यूं कहिए, इन लोगों ने आपको खरीद लिया है, कानून को खरीद लिया है, ये गरीब के इंसाफ को खरीद लिया है, बिक गए हैं आप। तो बकवास बंद करो, ले जाओ इसे और बंद कर दो हालात में, ले जाओ। कुछ सजा तो मिलनी चाहिए इसे, इस तरह कानून के साथ बदतमीजी करने की। कैसा इंसाफ है, फरियाद करने वाले को हवालात में बंद कर दिया जाता है और जो मुजरिम है वो बाहर फिर रहे, कैसा इंसाफ है ये? क्या गरीब होना भी कोई जुर्म है? अच्छा ये बताएं कि कहीं वो कोई खतरा? ओ जी आप फिक्र ना करें, इंस्पेक्टर साहब ने जो FIR काटी है ना, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, उसी पे अदालत का फैसला होगा, उसी पे कार्रवाई होगी, आपकी तो कोई हवा को भी नहीं छू सकता। ओह बड़ी मेहरबानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो ठीक है, पर इंस्पेक्टर साहब का काम? अरे हाँ, वो काम भी आपका हो जाएगा भाई, मेरे वो दो साथी नहीं है दाढ़ी वाले, वो अब तक इंस्पेक्टर साहब के घर पहुंच चुके होंगे। हाँ वो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, वो हाँ वो हो जाएगा, हो जाएगा। कासिम, कासिम, इंस्पेक्टर साहब ने तुम्हें घर जाने की इजाजत दे दी है, अब तुम जा सकते हो। मैं घर नहीं, अदालत में जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, अदालत में भी पुलिस की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई होती है, और इंस्पेक्टर साहब वो रिपोर्ट
लिख चुके हैं जो तुमसे पहले लिखवाई गई थी। क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब जो भी इंसाफ मांगना है वो खुदा से मांगो। अदालत में भी पुलिस की रिपोर्ट पर ही कार्रवाई होती है और इंस्पेक्टर साहब वो रिपोर्ट लिख चुके हैं। क्या मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा? तुमने आने में बहुत देर कर दी। अब जो भी इंसाफ मांगना है वो खुदा से मांगो। कैसे हो भैया? मेरी चिड़िया कैसी है? उनको दाना डाला था ना? और बहुत अजीब लग रहा होगा मुझे ना पाकर, है ना भैया? दो दिन बाद मेरे इम्तिहान है भैया, और मैं चाहती हूँ मेरे भाई ने शोलियों के सामने खड़े होकर जिस खून पसीने की कमाई से मुझे पढ़ाया है, रिजल्ट सुनकर उसके सीने में ठंड पड़ जाए। कल रात की शिफ्ट के बाद मैं आऊंगा खान। भट्टी की आग जलती रहनी चाहिए। आग जलता रहना चाहिए? क्यों? जिन लोगों ने किरण को जलाया है कल से जलने की बारी उनकी है। अरे यार इतनी पिला दी तुम लोगों ने कि मैं अकेला चल भी नहीं सकता यार। ज्यादा कुछ हो गया। अरे अरे तू जा रहे? चलो चलो ठीक है। मैं भी चलता हूँ यार। क्या खबर भाई, कितना लंबा? अरे कौन है? किरण कहीं पकड़ा? तूने उसे चलाया था ना? आज तुझे मैं चलाऊंगा। चल बहन को जलाया सुन, आज खुद चल। सुहेल गया कहां? उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? ओहो भाई कहां जाएगा वो? आ जाएगा। आ जाएगा? दो दिन हो गए उसको गए हुए। भाई मेरा दिल तो गवाही देता है कि उसके साथ कोई ना कोई मिसहैप जरूर हुआ है। हाँ
कासू? मैंने जला दिया, मैं सबको जला दूंगा। जिस जिसने मेरी बहन को जलाया है वो जलकर मरेगा, 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 वो जलकर मरेगा।
ख्वाब पलकों पे अपनी सजाकर रास्ता तेरा देखूं दिल को जलाकर तेरे ख्वाब पलकों पे अपनी सजाकर रास्ता तेरा देखूं दिल को जलाकर अंधेरा तो है रोशनी से जीना तो है जिंदगी से ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से ओ तेरी आशिकी से ओ दीवाना दीवानगी से शायर तो है शायरी से ओ मेरी जाना मैं पहचाना तेरी आशिकी से ओ तेरी आशिकी से ओ ड्राइवर घर छोड़ा हूं मैम साहब को ओके बाय बाय डार्लिंग बाय ए ड्राइवर आज तुम्हारे साहब ने कुछ ज्यादा ही पिला दी है घर आ जाए तुम मुझे उठा देना मौत तुम्हारा इंतजार करता है ये फर्नेस है जहां लोहा पिघलाया जाता है तुमने मेरी बहन को जलाया था ना अब जलने की बारी तुम्हारी है ने बुलाया मुझे जिन पर तुमने अपनी बहन को जलाने का इल्जाम लगाया था वो एक एक करके लापता हो रहे हैं शक है कि उनके लापता होने में तुम्हारा हाथ है आपको मुझ पर शक होना भी चाहिए लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत या कोई मौके का गवाह है तो मैं हाजिर हूं मुझे हथकड़ी लगा दीजिए ऐसे क्या देख रहे हैं आप ही ने तो कहा था कि कार्रवाई तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कोई गवाह ना हो पहले कोई गवाह ढूंढिए फिर मुझे बुला लीजिए देखो अस्सलाम वालेकुम
लो कौन है? चौकीदार चौकीदार इंस्पेक्टर अल्ताफ बोल रहा हूं, कहां हो तुम? मैं इधर गोदाम में हूं। क्या कहा, तुम फैक्ट्री पहुंच गए हो? ए, तुम लोग बैठो यहां, मैं भी देखकर आता हूं। ध्यान से बैठना। क्या हुआ, किससे डर रहे हो? कुछ नहीं है यहां, आओ आओ बैठो अपनी जगह पर। रियाब कम ऑन, पियो एंड एंजॉय योरसेल्फ, मैं देखता हूं। उधर जाके कर, बेशरम कहीं का। ए, तुमने यहां से किसी को गुजरते तो नहीं देखा? आपको देखा है। वो जी एक साया सा इधर से गुजरते देखा है जी, उस तरफ वो देखे जी। आओ भागो, पकड़ो उसको। कम ऑन, क्या हाल है? ठीक मलका? क्या बात है जानी, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। तुम्हारे इधर से भागने का कोई चोर रास्ता है? हाँ है, इधर से मेरे दिल से गुजरता है, दिखाओ। ये मजाक का वक्त नहीं है, पुलिस मेरे पीछे। और पुलिस को तो मैं खुद ही देख लूंगी, तुम आओ मेरे साथ चलो। अम्मा ध्यान रखना, कासू का किसी को पता ना चले। हमारा भी किसी को पता ना चले। परे मरमर दूता।
जान जगा दूं, जुल्फों का सावन बरसा दूं, दिल में सो तूफान जगा दूं, फूल खिला दूं अरमानों के, शोलों को कुछ और हवा दूं। भुलायो, ये लड़की कैसी है? बड़ा नाच गा रही थी। अपनी किसी लहर में थी बाबे ओ, वरना ज़बान की इतनी कड़वी है कि जहर भी क्या कड़वा होगा। क्या नाम है इसका? मलका। मलका, मुझे वजीर बना दें। शराब, किसी से चक्कर बक्कर तो नहीं इसका? ना बाबे ओ, तो फिर मेरे साथ चला दो। बकवास नहीं। ए, ज्यादा बकवास करने की कोशिश की तो जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। कभी कोई इससे मिलने तो नहीं आया यहाँ, तुम्हारी बस्ती के लोगों के अलावा? सरकार, यहाँ कभी बिजली का बच्चा नहीं आया। वो आया तो इधर ही था, गायब किधर हो गया? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चलने के काबिल हो? सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें इस पागलखाने में खत्म कर देना चाहते थे। तुम्हारी हालत और आंसुओं ने मेरे जमीर को मजबूर कर दिया कि मैं इस पागलखाने के दरवाजे तुम पर खोल दूं। चलो, दरवाजे खुले हैं। और हां सुनो, मेरे कमरे में तुम्हारे लिए कपड़े मौजूद हैं। चलो भाग जाओ। Thank you.
तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो मियां? देखो भाई, मुझे अकेले में डर लग रहा है। मैं आपके कमरे में रहूंगा। ओए, क्या हुआ? गुजरा कोई इधर से, गुजरा कोई इधर से। कोई नहीं गुजरा, वहम हो रहा आपको। बैठ जाइए आराम से, डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा हुआ। कोई मक्कारी नहीं, तुम सबकी असलियत जान चुका हूं मैं। माफ हूं मैं तुम सबकी। कामरा बेटा, हमें माफ कर दो बेटा। माफी, माफी एक बार मिलती है, दो बार मिलती है, तीसरी बार सजा मिलती है। मुझे मेरी किरण की कब्र तक ले चलो, चलो, वरना यही खत्म कर दूंगा तुम सबको। मारोगे तो नहीं बेटा? जिंदगी और मौत का फैसला तो बाद में होगा, पहले ये बताओ कि किरण की कमर कौन सी है, बताओ। नहीं बेटा, नहीं बेटा, पीछे 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 करो, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। इन लोग बड़े जालिम हैं, इन्होंने तुम्हारी बीवी को जलाया और तुम्हारी जायदाद पे कब्जा करना चाहा। बेटा मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ और मेरी बेटी बेगुनाह है। हाँ कामरान भाई, झूठ बकती है ये। सारा प्लान इसी ने तैयार किया था, इसी ने चाहा था कि इसकी बेटी की शादी तुम्हारे साथ हो। और आगे बोलो। और मैं इसे मना करता रहा, कहता रहा कि कामरान हमारा बेटा है, हम उसके घर में रहते हैं, उसका खाते हैं, उसका पीते हैं, उसके साथ ये जुल्म ना करें, उसे अपनी बीवी से बहुत प्यार है और हम उसके प्यार के दुपट्टे में आग ना लगाएं। चला गोली। खबरदार, अगर किसी ने कामी भाई पर गोली चलाने की कोशिश की, दानवो तुम कब्रिस्तान में खड़े हो, तुम्हें मौत याद नहीं है, एक दिन तुमको भी मरना है। तुम सबने मिलकर किरण बाजी को जलाया है, मेरी अम्मी ने जलाया है, बाजी ने जलाया, मेरी चाचू ने जलाया, तुम्हें कब्रें भी नसीब नहीं होगी कभी भाई।
आपको बताता हूँ किरण बाजी की कब्र किधर है। मैं बताता हूँ, ये है किरण बाजी की कब्र का भी भाई, ये है किरण बाजी की कब्र का भी भाई। नहीं कामरान, इन सब की मौत गोली से नहीं, उस आग से होगी जिस आग से इन लोगों ने मेरी बहन को जलाया है। तुम जल्दी से पेट्रोल ले आओ, जल्दी करो खान। बैठो गाड़ी में, बैठो बैठो बैठो। लेकिन तुम हमें गाड़ी में क्यों बिठा रहे हो? कुत्ते कमीने, बैठ बैठो। देख किरण, देख तुझे जलाने वाले आज तेरे सामने जलेंगे। तेरा भाई गरीब था तो इन लोगों ने कानून को खरीद लिया, इंसाफ भी खरीद लिया, लेकिन आज ये तेरे भाई के इंसाफ को नहीं खरीद सकेंगे। किरण खान, जल्दी करो। तुम पुलिस को संभालो, तुम लोगों ने इस तरह फेंका था पेट्रोल मेरी बहन पर, इस तरह फेंका था, इस तरह, इस तरह फेंका था पेट्रोल। बंदर बेटो खंजीर का बच्चा गोली मारेगा। आज चलने की बारी उनकी है किरण, जिन्होंने तुझे जलाया, जिन्होंने तेरे दुपट्टे को जलाया, आज चलने की बारी उनकी है। गिरफ्तार क्या, फांसी पर लटका दो। जो इंसाफ तुम्हारे कानून ने नहीं किया वो मैंने कर दिया है, लेकिन कब तक, कितने भाई होंगे जो मेरी तरह इंसाफ का अलम बलंद करेंगे? कितने भाई होंगे
इंसाफ करो, इंसाफ पालो, वरना बहनों का दुपट्टा भी चलता रहेगा और भाइयों के हाथ भी।